प्लानिंग हो गया था, तो भाई ने आज प्लानिंग किए और इन्होंने कल 10 भर का गिफ्ट भी दिया था मुझे। हाँ। ब्रासलेट इन्होंने लाया था मेरे लिए। अच्छा। 10 भर का था वो। अच्छा। तौला का। अच्छा, 10 तोले का। तौला या भर एक ही होता है। हमने कहा तो भर ही जानी ले जाए ना। वैसे ये बड़ी खुशी है, संजय भैया मुझे बता रहे थे कि सैया की रोटी कामयाबी जो है इनके लिए ऐसी खुशी है कि वो हर दिन चाहते हैं किसी तरह से पार्टी हो, शायद इसलिए आज भी रखी इन्होंने। इन लोगों का मोहब्बत है, लोग इनको उतना प्यार दे रहे हैं और एस फॉर यू को इतनी मोहब्बत मिल रही है, और मेरी शुभकामना है क्योंकि ये कंपनी हमारी नहीं ना इनकी है, ये हमारी जनता की कंपनी है। अब इस कंपनी को चलाने का काम भी हमारी जनता ही करती है और आजीवन हमेशा करती रहेगी जी। ये कह रहे थे, मुझे संजय भैया बता रहे थे कि गाने को लेकर इनके मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं, ये गाना बिल्कुल आपको छोड़ना है, और आपको शायद इस बात का अंदाजा था कि ये गाना बड़ा हिट होगा। मैं गाना अपनी कंपनी के लिए किया था, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के लिए, लेकिन अभी बोले भाई कि मुझे तुरंत गाना चाहिए, तो वही एक गाना पड़ा था मेरे पास जो कि मुझे छोड़ना था, तो मैं बोला कि भाई ये रिलीज करिए आप, और मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना लोगों को इतना पसंद आएगा, क्योंकि देखिए कोई मनोरंजन का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या लोग सुन लेंगे, कब क्या लोगों को पसंद आ जाए, मुझे भी पता नहीं है। हम तो हर गाना हिट समझ के ही गाते हैं, लेकिन हर गाना 100 मिलियन नहीं होता है, तो मनोरंजन का कोई बंधन नहीं है जो कौन गाना और कौन शब्द लोगों को पसंद आ जाए और वो एक बड़ा इतिहास बना दे, और ये इतिहास की तरफ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 100 मिलियन ही नहीं, ये रुकने वाला गाना नहीं है, क्योंकि ये घर घर में गाना बजना शुरू हो गया है और हर शादी हर विवाह हर फंक्शन में ये गाना बज रहे हैं। आज मैं जब भी बिहार गया था 6-7 दिन रहा था, तो मैं हर टेम्पू में ये गाना सुन के आया, तो खुशी होती है जब मैं रोड से चलता हूँ और हर जगह मैं ही सुनाई देता हूँ, तो वो एक अलग खुशी और एक अलग, जिस तरह आपका नाम आनंद है उसी तरह हम आनंद हो जाते हैं। सैया की रोटी का मतलब बताइए सबसे पहले, कहाँ से आते हैं? फिलहाल बिहार से आते हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं सैया की रोटी का आपके अनुसार मतलब क्या है? सैया के बेलर रोटी खैलू है जान, मैंने सैया के रोटी ऐसा थोड़ी बजे लंदन में दूसरा चीज से बेलल जला है, अब बिहार में दूसर बेला ला, बम्बे में दूसर बेला ला, सैया मैंने मर्द के बेला रोटी खा रही हो, मैंने तुम ऐसो आराम में हो। संजय यादव तो नहीं बेले थे? हाँ, संजय यादव रोटी खाते होंगे, बेलने वाले शरीर तो नहीं लग रहा है, इस शरीर से मेहनत नहीं हो रहा होगा। मुझे लगता है कि बेल कोई बनाता होगा तब ये खाते होंगे, हम लोग बेलते हैं और तब खाते हैं, क्योंकि हम घर परिवार में बहुत कमे रहते हैं, काम ही इतना ज्यादा है, लोगों ने बिजी कर रखा है, घर तो मेरे पास है बट घर में रहने का टाइम नहीं है। मतलब भाभी को बना के भी खाना नहीं खिलाया आप? नहीं, लेकिन हाँ इतना है जो भगवान ने घर दिया तो परिवार भी दे दिया, और उस परिवार के साथ घर में रहता हूँ, तो बड़ा एक खुशी है। अगर 5 दिन के लिए भी आता हूँ तो मुझे 1 महीने की खुशी उस परिवार उस फैमिली से मिल जाती है। अच्छा, कभी खाना बना के खिलाते नहीं घर भाभी को? टाइम भी तो होना चाहिए ना भाई खाना बनाने के लिए, अब हम खनो हम ही बनाई, कमाई हम ही, सब काम हम ही करी, तो मेहरारू के क्या काम बा भाई? मेहरारू खाना नहीं बनाएगी ना भी? नहीं, ठीक है, वो मेरे लिए खाना थोड़ी बनाती है, वो तो उसका मोहब्बत है जो मेरे लिए सजा के रखती है, और मैं जब जाके ग्रहण कर लेता हूँ तो वो खाना नहीं है मेरे लिए, वो उसकी मोहब्बत है जिसको मैं इंजॉय करके खाता हूँ। अपने आप बात कर रहे थे शरीर की, फिटनेस लेवल जो है खेसारी लाल यादव का बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, ठीक है, आप बॉडी में जो वेट आपका काफी कम नजर आ रहा है, शेप्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं शायद आजकल बॉडी को लेकर फिटनेस। देखिए मेरे कहने का मतलब कि हमारे पास संपत्ति कितना है आनंद जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा और कोई जानने में इच्छुक भी है। 1000 करोड़ हमारा, देखिए हमारे अकाउंटेड यही है, 1000 करोड़ हो गया, कहाँ से मैंने फल गजब खत्म आदमी है जी। हमारा धन और हमारा संपत्ति ज्यादा बताया। नहीं नहीं छोड़िए ना महाराज जी, सब मतलब की बातें गूगल बता रहा है, गूगल को छोड़िए ना, गूगल कुछ भी बोलता है, गूगल पे तो डालिएगा कि भोजपुरी का नंबर वन कौन है, तो खेसारी लाल यादव ही आता है, भोजपुरी का शेर कौन है, भोजपुरी किंग कौन है, तो खेसारी आता है, तो उससे नहीं हम लोगों के दिल में कितना रहते हैं ये मायने रखता है, हम गूगल पे रह के क्या करेंगे। आप कहना चाहते हैं नंबर वन नहीं है? अरे नहीं, मैं नंबर वन अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपनों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपने जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, तो इस शरीर का राज है कि हमारी संपत्ति हमारा शरीर ही है। गूगल पे अगर सलमान खान के साथ भी डालते हैं कि बेस्ट हिंदुस्तान के हीरो कौन है, खेसारी लाल। अच्छा ये भी आता है, चलिए आज यह पता चल गया हमारा, चलिए कोई बात नहीं, सलमान जी का एक अलग औरा है और हमारे बड़े क्या बोले बड़े भाई की तरह है और बड़े स्टार है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बगल में खड़े हों, बस हम कोशिश ही कर रहे हैं,
और आज नहीं तो कल ये जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा जी। खेसारी जी कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके आने की बात चल रही है वैभव के साथ और कई बड़े लोगों के साथ प्रोजेक्ट की बात चल रही है, आपके उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, स्टी सीरीज का भी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का भी है, सारेगामा से लेकर एस फॉर यू से लेकर हमारा ग्लोबल म्यूजिक से लेकर जितने भी हमारी कंपनियां हैं सबके लिए मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा भी है, मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और सब लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो देखिए अब धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा, अब आया हूँ लगातार काम ही कर रहा हूँ भाई, कल ही कम से कम मुझे लगता है 10 गाने गाया हूँ मैं, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से फिर गाने गाने गया, 4 बजे सुबह घर पे पहुँचा, फिर 5 बजे 6 बजे के आसपास मैं सोया, फिर 11 बजे उठ के आ गया, एक फिल्म का पूरा डबिंग किया, 4 गाना फिल्म का गाया, फिर आया हूँ, फिर गाने जाऊँगा गा के, फिर जाऊँगा, फिर कल शूट करूँगा। तो वो तो सिलसिला मेरे जीवन में है, कहिए कि मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि काम करते रहूँ करते रहूँ जी। तो क्या शूट होने जा रहा है सर भाई, क्या कल मैं कुछ गाने कर रहा हूँ एल्बम के अपने जी, उसके बाद उन फिर कुछ प्रोजेक्ट हैं तो और बाहर भी जाएंगे और बाहर के बाद फिर एक सिनेमा है तो फिर लखनऊ जाऊंगा। हिमेश रेशमिया साहब के साथ आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं शायद उसकी जानकारी है, और डीजे ब्रेवो के साथ भी आपके प्रोजेक्ट? वो मेरे नज़र में चीज़ें नहीं होती है, वो सब विवेक के नज़र में होती है, तो विवेक अपना वो उनका काम है कि अपना विवेक अपने हिसाब से जहाँ भी उनको लगता है प्रेजेंट करना चाहिए तो उनके जी में रहता है, मेरे कितने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मुझे सिर्फ मैं काम को इंजॉय करता हूँ, मुझे कहाँ लेकर जाना है, कहाँ उठा के फेंक देना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ खिलाना है, वो सब विवेक के जी में रहता है और वही करते रहते हैं। फिल्म कौन सी जाने वाली है सर जी इसके बाद? अभी फ्लोर पे तो फरिश्ते जा रही है हमारी जी, मेरे ही और लाल बाबू पंडित की और साउथ के प्रोड्यूसर हैं वो, तो देखिए। खेसारी जी एक न्यूज आपके आ रही है कि एक पुराने पीआरओ हैं जो आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि आपकी फिल्म आज की हफ्ते भर में नहीं चलती उतर गई थी। पुराने पीआरओ हैं संजय भूषण प्रोड्यूसर आप प्रोड्यूसर हैं, आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। नहीं ठीक है, हो सकता है कि उनके जहन में चीज़ें नहीं होगी और उतर गई होगी, एक दो सिनेमा देखिए होता क्या है ना कि कुछ सेंटर ऐसे होते हैं ना कि एक दो हफ्ते में वहाँ से उतर जाती है सिनेमा, तो वो छोटे छोटे सेंटरों को काउंट करके बोल दिए होंगे, लेकिन बड़ी अगर हो सकता है जो उनके जहन में उससे बेहतर कोई सिनेमा चली हुई तो उनको भी बता देना चाहिए कि उसके उसके पहले या उसके बाद में कोई सिनेमा उससे बेहतर चली है, तो उनके जहन में नहीं होगी ठीक है, और वो किस भाव में बोल दिए। और आप बताएं आप इंडस्ट्री में भोजपुरी के इंडस्ट्री में किसी से खेसारी के लिए अगर सवाल करिएगा ना, खेसारी के काम के लिए सवाल करिएगा तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी और ना ही मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है, तो जो मेरे बारे में अच्छे नहीं बोलते हैं वो भी उनकी भी ज़रूरत होता हूँ मैं, क्योंकि भाई आपके बोलने से मेरी जीवन तो चलती है नहीं, और मेरे लिए क्या बोलते हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं क्या करता हूँ ये मेरे लिए मायने रखता है, लोगों का काम है बोलना, जो मेरे अपने हैं वो भी उनके लिए भी सक्रिय नहीं हूँ मैं, शायद उनको लगता होगा, लेकिन मैं जनता के लिए सक्रिय हूँ और जनता मुझे पता है कि जनता कितना प्यार देती है कितना प्यार नहीं देती है, और शायद जिन्होंने बोला है उनको भी प्रोड्यूसर बनाने का काम मैंने ही किया है। तो मुझे लगता है कि उनको भी याद रखना चाहिए, और उसका पैसा रिलीज के 6 महीने बाद मैं लिया था, अब इतना कॉपरेशन करने के बाद इतना कॉपरेट करने के बाद भी अगर उनको लगता है कि मेरी सिनेमा नहीं चलती है तो भगवान करे आप मेरे साथ कभी सिनेमा ही मत करिए, जब मैं चलता ही नहीं हूँ तो आप क्यों आइएगा, अपना पैसा बर्बाद आप मत करिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, मैं अपने जीवन में खुश रहेंगे, हम मिलेंगे एक दूसरे से, भाईचारा हमेशा बनी रहेगी, ना आपके पास हीरो की कमी है ना मेरे पास प्रोड्यूसर की कमी है, तो हर आदमी तो कहीं ना कहीं सक्रिय ही है क्या भाई। उनके नजर में लिट्टी चोखा और आज की फ्लॉप फिल्म है और उनकी फिल्म जो प्रोड्यूस की वही सुपर हिट है, बस यही जोक है आज का। अरे ठीक है, अच्छा उनकी फिल्म जो रिलीज हुई है उसमें भी हीरो मैं ही हूँ ना, उसमें भी हीरो मैं ही हूँ, तो भाई ठीक है उनके नजर में वो नहीं चली, वो चली तो चला कौन, खेसारी है ना, चला तो खेसारी है, तो भाई कहीं ना कहीं चला ना, तो लोगों का प्यार है और किसी एक के कहने से हमारी फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, आपको पता है ना कि वाद भी होता है तो 4 लोग डिसाइड करके दे देते हैं, तो क्या मैं कलाकार नहीं हूँ,
ठीक है, उन चारों के नजर में मेरी अहमियत नहीं होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उन चारों के नजर में भी मेरी अहमियत बन जाए, इससे ज्यादा क्या करूंगा। सर पवन जी से आपका एक मुलाकात हुआ था अभी कुछ ऐसा खबर मार्केट में, क्या बात हुई आपका पवन जी से मुलाकात कब हुआ था सर? ऐसा बात सुन मार्केट में खबर, अरे बताइए, जब हम एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं तो कभी वो हमसे मिलेंगे, हम कभी मिलेंगे, एक ही क्षेत्र है, एक ही फील्ड है, एक ही भाषा है, एक ही भाषा के बेटे हैं हम लोग, तो उनसे दुश्मनी मेरा कब था? वो तो बात की बात होती थी। देखिए ये बताइए कि नेता आपस में लड़ते जरूर है, लेकिन जब संसद भवन में जाते हैं तो सबकी कुर्सी तो एक ही संसद भवन में लगती है ना, तो ऐसा थोड़ी है जब सबकी कुर्सी अलग अलग लगती है। तो बात की बात है, उनकी बातें मुझे कुछ बुरी लगी, मैंने रिएक्ट किया, मेरी बातें उनको कुछ बुरी लगी होगी, उन्होंने रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करना ये तो जाहिर सी बात है कि देखिए मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आता है, मैं जिंदा हूं तो मुझे दुख भी होता है, अगर कोई मुझे कोई बात कहता है और मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आएगा और मैं रिएक्ट करूंगा। आज सैया के बेलल रोटी 100 मिलियन सेलिब्रेशन में हम लोग हैं सर, ये क्या तो मीडिया मीडिया का सवाल होता है, उस पर आप सवाल नहीं, उस पर रिएक्ट मत करिए सर, आप रोटी नहीं मिल पा रहे इसलिए मैं और पूछ रहा हूं। ये तो चलेगा, ये तो धूम से चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब केसारी जी है तो मतलब और क्या। चलिए भोजपुरी सिनेमा से हम बात करते हैं गानों की, आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो भोजपुरी सिर्फ गाने की धुन, फिल्मों की धुन क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है कि उसमें मेहनत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? देखिए उसमें मेहनत, देखिए मैं क्या बोलूं कि कहाँ कमी है, हम 5 आदमी के लिए काम करते हैं संजय जी, और जब तक हम 5 आदमी के यानी 5 परिवार हमारा, अगर मान के चलिए हम हैं, हमारी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, या 4-5 परिवार जब हमारा है, तो हम अपने परिवार के लिए अगर सोचेंगे तो उतना ही लोग हमें देखेंगे और उतना ही लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन जब हम 130 करोड़ जनता के बारे में सोचेंगे तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। हमारे सिनेमा में डायरेक्टर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको अपना घर चलाना है तो उस बेस पे और उस बजट में वो नहीं सोच पाते हैं, तो हो सकता है जी भाई उसके लिए बजट का भी जरूरी होता है, और हमारी सोच अगर बड़ी हो तो शायद कोई ना कोई आकर इस पे गेम करेगा और ये बड़ी होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे ज़्यादा गाने सुने जाते हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में हमारी 3री स्थान होती है, 4थी स्थान होती है, तो अगर हम सर्च होते हैं तभी तो होती है, ऐसा तो होता नहीं। 35-40 करोड़ जनता है, साउथ की अगर ओरिजिनल लोभी लैंग्वेज है उस पर जैसे फिल्म करोड़ों में जाती है, 10 करोड़ छोड़ी थोड़ी उसको 100 करोड़ पहुंच जाती है, कभी उससे ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन भोजपुरी की क्या सोच यहीं तक रहेगी कि आगे कुछ बढ़ सकती है? देखिए ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बता सकता है हमें जिस रूप में ढालेगा। मैं अच्छा ठीक है, मैं आज BMW की तरह हूँ, राइट, आप BMW हैं, मैं BMW आप मान लीजिए कि मैं BMW, लेकिन मुझे जिस टाइप का रोड दीजिएगा उसी टाइप का स्पीड दूंगा ना मैं, तो मुझे अगर रोड मिलेगा तो भाई स्पीड भी उसी हिसाब से होगी, अब खाटा दे दीजिएगा तो कहिएगा कि ना तू उड़ा दो, हम अपन सौकर तुर ली उड़ा के, हम अपन टायर फाड़ ली, नहीं हमें जिस हिसाब से रोड मिलेगी, जिस हिसाब से हमें तेल मिलेगी, उस हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर स्पीड है, हमारी स्पीड बहुत है, तो सरते हमें है, आप रोड तो ऐसे प्रोड्यूसर ऐसे डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है जो इस तरह की फिल्में बना पाए? नहीं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, हैं लोग, बट क्या मजबूरी है ये मुझे पता नहीं। केसारी जी आपके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे महंगी, अब तक की सबसे महंगी भोजपुरी की फिल्म आप करने जा रहे हैं, केसारी लाल यादव करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सब तो महंगी होती है भोजपुरी में, आप सोच ही नहीं सकते हैं, तो देखिए वो तो मेरा खुश नसीबी है कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, और बिग बजट की एक सिनेमा, एक ही नहीं करीब करीब बहुत सारे सिनेमा मैं इधर शुरू करने वाला हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लैंग्वेज को दुनिया प्यार करती है उस तरह हम भी लोगों के दिल में अपना एक छाप छोड़े सिनेमा के माध्यम से, और गाने वाने तो चलते ही रहते हैं, गाने वाने तो हम सिंगर हैं तो भाई तो हमारा पेशा है और हम उसके बिना जी नहीं सकते, तो कोशिश है जो बेहतर सिनेमा की तरफ आदमी मुख मोड़े, इसीलिए मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा हूँ कि हर लुक में अगर मुझे दिखना है और अपने आप को फिट रखना है, हम सिर्फ एक ही तरह नहीं दिख सकते, हम एक ही तरह काम ना करें। आज सैया के बेलल रोटी कुछ इसमें नया था तभी आज 100 मिलियन के कगार पर गया, तो ये सिर्फ 5 मिनट की मनोरंजन है, लेकिन 2.5 घंटे के मनोरंजन के लिए हमें सबको बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मित्र 2 करेक्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, एक राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खेसारी लाल यादव और एक एक्ट्रेस जो मेरी हैं,
लेकिन उसमें एक आदमी का और चार आदमी से सिनेमा नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा होता है कैनवास, तो सब लोग अगर 100% दें तो हमारी चीज़ें अच्छी हो सकती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो, कलाकार की तरफ से हो या डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है, फिल्में देश विदेश में शूट हो रही है लेकिन उसका रिलीज जो है ना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, इसका कब तक सुधार हो सकता है? फिल्में आप देश विदेश में शूट कर रहे हैं लेकिन फिल्में थिएटर में नहीं पहुंच पा रही, इसका मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? अब खेसारी विदेश में चल जाए तो अंग्रेज थोड़ी हो जी है ऐसा तो मैंने कहा आनंद बाबू, खेसारी लाल यादव के चक्की का आटा देखिए कितना बड़ा है, 100 मिलियन पहुंच गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका चक्की का आटा था। हमारी सोच को विदेश नहीं बदल सकता है। KGF लंदन में नहीं बनी है, KGF इंग्लैंड में नहीं बनी है, KGF जापान में नहीं बनी है, KGF इंडिया में ही बनी है। तो सोच को आप कहीं डाल सकते हैं, बसरते आपको आना चाहिए। अगर अच्छी जमीन नहीं दीजिएगा उसके बाद कहेगा कि ताजमहल बन जाए, तो जमीन हमारा कहाँ नहीं होता है। और जब जमीन आप अच्छा नहीं सोचिएगा तो ताजमहल नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहले जमीन पे फोकस करना जरूरी है, कहानी पे फोकस, और कहानी को बेहतर करने का काम एक डायरेक्टर का ही होता है। और डायरेक्टर अगर बेहतर सोचेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं। संजय जी, एस4यू कंपनी के मालिक हैं आप, आपको ये सैया की रोटी का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट आपके सामने है 253 मिलियन के रूप में। अब मुझे पर्सनली कैसा लगा ये सैया का रोटी का टेस्ट, 253 मिलियन आपके सामने है, मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 मिलियन है और बाकी सब मिला लो तो 253 मिलियन है। तब ये टेस्ट तो हमको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान को दिखा, पूरे फैंस ने दिखाया कि खेसारी लाल यादव का बेला हुआ रोटी का टेस्ट क्या था, तो 253 मिलियन था। इतना महंगा बेच दिए, डाल लीजिए महंगा बेच दिए, महंगा इतना प्यार मिल गया, खेसारी को बेला हुआ है महंगा, इनका इनका बेला हुआ रोटी था ना, तो मिलना ही था ना। तो आगे आप क्या रोटी बेलने वाला है खेसारी से? अभी हम मड़गिलवा बनाएंगे। अभी कारण क्या है कि आज 100 मिलियन का सेलिब्रेशन पे आप हैं और भाई हमारे हैं, आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है थोड़ा सा इंतजार तो कर लिए। जब लड़का की शादी हो तो लड़का थोड़ा बाप थोड़े बन जाला आदमी, 9 महीने इंतजार करके पड़े। ये लोग चाह रहे हैं कि ना शादी भाई लोग नहीं, सब लड़के लेके आ गए। क्या कुछ संदेश देंगे दर्शकों को जो आपने इतना प्यार दिए? मैं एक ही संदेश दूंगा कि जो प्यार जनता की तरफ से, फैंस की तरफ से खेसारी लाल यादव जी को मिलता है, जो आज एस4यू भोजपुरी को मिला है, जो आज 100 मिलियन क्लब में लेके खड़ा कर दिया है चैनल को और उस गाने ने, तो मैं दिल से धन्यवाद खेसारी जी और खेसारी जी के फैंस हो, जो जनता, जो हमारे इस पूरे के जो सब्सक्राइबर हैं, जो परिवार है मेरा, जो प्यार दिया, मुझे पता है कि आगे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा और पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का जवाब 10 दिन बाद आपको मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम में कौन से गाने, हिट मशीन बोल लीजिए, ट्रेडिंग मशीन बोल लीजिए, आप जो नाम देना पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि वो नाम जनता तराती पे लेती है, अपने सर पर बैठा लेती है। वही खेसारी लाल यादव जी हैं जो मिट्टी भी छू दे तो हमको लगता है सोना हो जाएगा। इसमें इनके कोई सिंगर हैं अनुपमा यादव जी? हाँ, ऐसा मत बोलिए भाई, नहीं तो कल ट्रैक्टर से लू पता चल जाए, मेरा बंगलो पकाल से ट्रैक्टर से माटी ले जाए भैया, छू दी फिर लाद के ले जाए, ऐसा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन भाई की तरफ से बोलूंगा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था भाई से, छोटा सा जवाब दूंगा, मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं। आप लोगों ने बोला कि पिक्चर एक हफ्ता में उतर गई, खुशी जो लिखने वाले जो भी हूँ, मैं नाम नहीं जानता, खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि 2 साल बाद सिनेमा घर खुला, उस सिनेमा घर खुलने से जो पिक्चर चल रहे हैं, जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, जो वहाँ पे पापड़ बेचने वाले हैं, जो बादाम बेचने वाले हैं, उनका घर कितना खुशी से चल रहा है, उस बात पर वो जनता तय करती है कि पिक्चर कितना दिन चला, वो प्यार दी है जनता। भाई जी, उनको खुशी थी तभी उन्होंने बोला कि एक हफ्ते में उतर गई। बात वहां नहीं है, बात यहाँ है कि उनके मन में ये बात खुशी होगी तभी उन्होंने जाहिर की होगी। अगर हम अपने भोजपुरी के ही लोग, आप अपने आप को प्यारो बोलते हैं, आप अपने आप को प्रोड्यूसर बोलते हैं, आप अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, आप अपने आप को हीरो बोलते हैं, आप अपने आप को हीरोइन बोलते हैं, और भोजपुरी की सिनेमा अगर कोई मान के चलिए कि ठीक है एक हफ्ते में उतर गई, आज जिसका एक दिन में उतरता है उसका क्या बोलिएगा, जिसका तो लगता है और अगले एक दूसरे घंटे में उतर जाता है। बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि कोशिश करिए ना, आप भी तो उस लेवल पे हैं, आप भी तो कैपेबल हैं, हमारी सिनेमा कैसे चलेगी, आप बेहतर सिनेमा समझें तो आप ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बना देते हैं कि जो कम से कम 50 सप्ताह चले।
आपको बनाने की जरूरत है, किसी की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है कि हाँ फलनवा उतर गया फलनवा चढ़ गया। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम लोगों के प्यार से बड़े होते हैं। तो हमें लोगों को प्यार कैसे लेना चाहिए, क्या करें कि हम प्यार, आप बेहतर सिनेमा को जानते हैं तो आप बेहतर करने की कोशिश करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। वो भी एक प्रोड्यूसर हैं कि हाँ एक हफ्ते में अपनी सिनेमा उतर गई, मेरी सिनेमा नहीं चली, तो कैसे चलेगी, इसका गणित जाना जरूरी है और इसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, प्रतिक्रिया देने की। जब आपने ही बेटा को आप गाली दीजिएगा, आप अपने ही भाषा के सिनेमाओं को कहिएगा जा रहे नहीं चली रहे नहीं चली रहे नहीं चली रहे, तो फिर भाई बाकी दुनिया कैसे आपको बड़ा समझेगी और बाकी दुनिया कैसे बड़ा बनाएगी, और बाकी जो प्रोड्यूसर आप पे गेम करने वाले हैं, चाहे बाकी प्रोड्यूसर जो आपको बड़ा बिग बजट की सिनेमा बनाने वाले हैं, वो तो पीछे ही हट जाएंगे, तो फिर भोजपुरी बड़ा कहाँ से होगी। तो हमारे भोजपुरी की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपनों को ही काटते हैं और अपनों को छोड़ दीजिए। भाई मैं तो इससे पीड़ित हूँ और पीड़ित नहीं बहुत खुश हूँ। सर एक इसमें से एक मेरा सवाल है, आपकी भोजपुरी का स्टार है, जो भी स्टार है, कोई भी स्टार अपने अपने को समझते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ड्रिंक करके आके मतलब इस तरह का गलत बात। नहीं नहीं नहीं, देखिए बात एक बात, सबका एंजॉय करना। अच्छा हो सकता है कोई भाई होश में बोल नहीं पाता होगा, होश में बोल ही नहीं सकता हो तो भाई ड्रिंक करके बोल देता है, जिसका सबकी अपनी क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी जो है सबकी अपनी स्ट्रेटजी है कि भाई हम होश में कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे, तुम पी के बोल देंगे भाई, तो ठीक है ना, वो सबका जीने का तरीका है, उसको कैसे बदल दीजिएगा। आप सारी जो बिंदास बोलते हैं मीडिया को कोई सवाल से डरते नहीं है, मैं क्यों डरूंगा, मेरे पास सवाल है बस। सर मैं एक बात बताऊं आपसे, आप पूरे रात मेरे से सवाल करिए और पूरे रात जवाब भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं और जो दिल से बोलता हूं वो बोलता हूं, पन्ना पे लिख के मैं आज तक कुछ बोला नहीं और सोच के मैं नहीं बोलता कि मुझे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर दिल में अगर आपके निगेटिव चीजें चल रही है ना, तो आप कोई भी शब्द बोलिएगा तो उसके रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव भेव से अपने जीवन को चलाइएगा तो जीवन में आपको कभी तकलीफ और आपके शब्द भी उसी हिसाब से निकलेंगे जिस हिसाब से आपका विचारधारा है। संजय जी का अभी तक एक भी अच्छा लेके जाइए, गजब बिहार के दर्शकों सबसे ज्यादा इंतजार है घर भोज कब हुई। अरे को हम हमारे घर ना संसद भवन हो गई बा, हम तो पागल हो जाए, इतना न्यूज तो हमारा बुझाते जो संसद भवन के बनला पड़ना बनल हो, इतना हमारे घर के डेली न्यूज बन जाता। अभी तीसरा मंजिल भइल बा, चौथा ढलाई वाला बा, आ चौथा ढला जाइए ओकर बाद फिनिशिंग होई, रंगाई होई, पेंट होई, ओमे बाकी सब मरकरी फरकरी लागी लगी तो हम अपने यहाँ पे ना उसको देख के हम घर के घर भोज कर देते हैं। दर्शकों के बर्दाश्त तो देखे हो तो हम हमारा लगे बार बार कमेंट तो का करी काले गए चूल्हा डाल के खाना बनाए लगे का होने। अरे ओकरा के ढलाए दलो ओकरा पे तनी सोफा तकिया लगे दलो ओकर बाद करबे न करो। अनुमान तो कुछ होई 6 महीना साल भर आए, अनुमान का कही हो, अभी तो दू गो कॉलेज बनाओ तनी ओकरो उद्घाटन अभी दुकान उन्हीं शुरू हो जाइलो। अब देखो कॉलेज बना रहा हूँ तो हमको लगता है कि वहाँ उसका भी बाउंड्री अब शुरू होगा कि भाई खेसारी जी का कॉलेज शुरू हो गया। तो ज़िंदगी में चीज़ें होती है और इनका मेरा घर नहीं, इनके आशीर्वाद से बन रहा है। और मैं कितना दिन अपने घर में रहता हूँ, मैं कितना भी बेहतर चीज़ें बना दूँ अपने घर के लिए चाहे अपने अपने परिवार के लिए, लेकिन ये उनके लिए ही हो सकता है। बस हाँ इस बात की खुशी है कि अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें रहने वाले मेरे पास लोग हैं। अच्छी बात है, कॉलेज बनना चाहिए, एजुकेशन आगे बढ़े बिहार में। मैं बिहार को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ जो उस लेवल पे जिनके क्षमता नहीं है कि पढ़कर बड़ा हो सके, मैं कोशिश करूँगा कि अपने कॉलेज के माध्यम से उन बच्चों को जरूर भविष्य तय करने का एक मौका दूँ। अब तो आप पटना के बाबू भी हो गए हैं। नहीं नहीं, पटना तो पटना में पहले ना रहनी है, पहले हम पटना के ना रहनी हो, पहले कहाँ कर रही है, रजिस्टर्ड हो गए हम, बुंदेलखंड से रहनी है पहले। अब रजिस्टर्ड हो गए अरे सारी जी, आज संयाग रोटी के सब लेंगे के हम काट रहे हैं, एक अंदर हम खड़ा हो खाली, कल ही काटे थे आज हम अभी देख रहे हैं, हां हम लोग आज ही देख रहे हैं, कल नहीं देख पाए थे। पहले से ज्यादा लगीले चॉकलेटी, अरे दुहिए मिनट में दुहिए महीना में फूलल बापेटी, कि पहले तर अरे नैहर में रहलु टूटी टिहरी, ससुरवा में गोटैलु ए जान,
पता लागे सही के बेलल रोटी खैलो जा। बस यही था और गाला बहुत फसल रहा हमारा। एगो पूरा सिनेमा के डबिंग का क्या होता नहीं, एगो सिनेमा के गाना का क्या होता नहीं, फैल जाए के बाद गावे तब हो गए सवाल की और क्योंकि कौन विवादित सवाल सवाल बहुत है विवादित ना विवादित ना सर विवादित जितना विवादित होते थे तो फेकल हम क्लियर कर जाए फेकने के लिए तो बहुत है लेकिन बोला नहीं फेक विवेक जी फेंकिए आप लोग फेंकिए जल्दी से फेंकिए 5 मिनट में हम फेंक फेंक के स्टार्ट कर दीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।